आई सी सी वोमेन वर्ल्ड कप टू फाइनल मुकाबला केप टाउन के ग्राउंड में खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया जिसने सेमीफाइनल में, में इंडिया और हमारे सपनों को एक बार फिर से तोड़ के फाइनल में पहुंची और दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका जो काम इनके मेंस नहीं कर पाए वो वोमेन्स ने करके दिखा दिया पहली बार साउथ अफ्रीका फाइनल खेलेगी किसी भी आई टूर्नामेंट का मेन ऑफ वोमेन इनमें यह पहली बार होगा तो थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि वोमेन पहली बार फाइनल खेल ली है साउथ अफ्रीका तो इस इस कोइंसिडेंस पे आपको नहीं जाना है इतफाक पर नहीं जाना है तो हुई दिस मैच इस पर वीडियो में हम बात करेंगे ओवरऑल तो उससे पहले कौन जीतेगा उससे पहले बात करते हैं पिच रिपोर्ट की आपके सामने ले करूंगा मैं ऑस्ट्रेलिया वुमेन एक मुकाबला खेला है इस ग्राउंड में जीता है एक सौ बहत्तर इनका एवरेज स्कोर रहता है साउथ अफ्रीका वुमेन यहाँ पर सात मुकाबले खेले और अच्छी जीते सात में से इन्होंने पांच मुकाबलों में जीत हासिल की है सेवेंटी वन परसेंट इनका विनिंग परसेंटेज है इस ग्राउंड में एवरेज स्कोर वन ट्वेंटी फाइव है जो कि ऑस्ट्रेलिया से तो काफ़ी कम है बट वन ट्वेंटी फाइव वुमेंस के लिए काफ़ी बढ़िया स्कोर माना जाता है एवरेज स्कोर एक बैटिंग फर्स्ट और बैट बॉल का अगर फ्रंट्स देखें आप साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया का ओपनिंग दोनों का ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग है मिडिल ऑर्डर ऑस्ट्रेलिया काफ़ी आगे निकल जाते हैं बैटिंग में देखते दोनों के ही इक्वल है पेस बॉलिंग अटैक दोनों का ही बहुत ही तगड़ा है बहुत ही बढ़िया है स्पिन के मामले में ऑस्ट्रेलिया थोड़ी सी आगे निकल जाती है और साउथ अफ्रीका पीछे रह जाती है जो इनके लिए माइनस पॉइंट है वहीं दूसरी तरफ बात करें अगर हम ग्यारह मुकाबले यहाँ पर हुए चौंसठ परसेंट सिक्सटी फोर परसेंट बट फर्स्ट जीतती है 64%, 64 फर्स और थर्टी सिक्स परसेंट सेकेंड वही एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर यहाँ पर वन फिफ्टी टू है एवरेज सेकेंड इनिंग स्कोर वन ट्वेंटी नाइन है तो यहाँ पर फर्स्ट बैटिंग को काफ़ी ज़्यादा फेवर करता है ये ग्राउंड वुमेन्स में पेसर्स को यहाँ पर फोर्टी विकेट मिलती है स्पिनर्स को फिफ्टी इट्स अ गुड फॉर स्पिनर मैंने पहले ही बोला कि वुमेन में स्पिनर्स का थोड़ा दबदबा रहता है डेथ में भी स्पिनर्स बॉलिंग करती हैं अब बात करें दोनों दो टीमों को प्लेइंग एलेवन के बारे में तो एलेक्सली जो कि काफ़ी बढ़िया है यहाँ पर ओपनर ओपनर्स को यहाँ पर काफ़ी मदद भी मिलती है इस ग्राउंड में मैंने देखा है जितने मुकाबले हुए हैं बेथ मोनी है जो कि बहुत अच्छी फॉर्म में है ये भी बहुत अच्छी प्लेयर है एम लैनिंग ये भी अच्छी प्लेयर है ए गार्डनर बहुत अच्छी ऑलराउंडर इनको आप कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं दिख में ये बॉलिंग भी करेंगी एलिस पेरी है जो कि बड़ा नाम है बट आप मैं चाहूँगा कि इनको आप ड्रॉप करने का भी रिस्क ले सकते हैं और एल हैरी से काफ़ी नीचे बैटिंग आती है तो यहाँ पर बैट फर्स्ट बैट सेकंड पे भी थोड़ा कंसर्ट करता है अगर सेकंड बैट पे आती है तो आप एल हैरिस के साथ जा सकते हैं बट फर्स्ट बैट पे मुझे नहीं लगता कि एल हैरिस के साथ जाना पड़ेगा आपको टीम एग्रा है जिनको आप ड्रॉप कर सकती हैं जी वारे एम जो कि अच्छी बॉलर है जे जेनेसन आप लेकर चलिए इनको डी ब्राउन एम स्कर्ट तो वहीं पर दूसरी जो डी ब्राउन एम स्कर्ट इनके दो पेसर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पेसर है काफ़ी अच्छी स्पेस है इनके पास इनको ट्राई करिएगा एलवर्ल्ड वॉट साउथ अफ्रीका तो की तरफ से ओपनिंग करेंगे टी ब्रिट्स के साथ काफ़ी अच्छी जोड़ी है इन दोनों की काफ़ी अच्छे रन बनाए इस साल फिफ्टी प्लस इनका पार्टनरशिप रहे हैं मैक्सिमम मैचेस में जो कि बहुत अच्छी बात है और दूसरी तरह एम कैप है जो कि एज अ बॉलर आप इनको पिक करके चलिए बैटिंग से बहुत ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया की उम्मीद मत रखिएगा एस ल्यूस है सी ट्राइनो एनडी क्लर्क है ए बॉश है एस जयाफ्ता एस एसमेल एक हाका एन लाबा एन इमलाबा एक हाकइल स्मेल इनके तीन फास्ट बॉलर हैं जो कि यही विकेट टेकर है और उसके बाद जो एंडी क्लाक के सीट रॉनिंग ये पार्ट टाइम बॉलर है दोनों मिला के चार ओवर डाल देते हैं हो जाता है इनसे बाकी इनकी प्लेइंग लेवन में थोड़ा सा एक कोई चेंज दोनों में ही नहीं रहेगा आप मोस्टली इन स्पिनर चूज़ करने का ट्राई करिएगा और साफ सर्फे की तरफ से पेसर्स और टॉप ऑर्डर के दोनों बैट्समैन दोनों की तरफ से टॉप ऑर्डर के मैक्सिमम बैट्समैन ट्राई करने का कोशिश करिएगा अगर बात करें फाइनल कौन जीतेगा विन दिस आईसीसी वर्ल्ड कप टी ट्वेंटी ट्रॉफी तो भाई उसके लिए भी आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन ज्वाइन करना पड़ेगा जिसके लिए आप हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको ज्वाइन कर सकते हैं सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय